साल 2023 में एनिमल की रिलीज के बाद से तृप्ति डिमरी अचानक से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। इसके बाद एक्ट्रेस के पास एक पर एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। बहुत जल्द वो राजकुमार राव के साथ विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आने वाली हैं। इसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसने धमाल मचा दिया था। एक्ट्रेस के पास इस समय धड़क 2, भूल भुलैया 3 और कई अनटाइटल्ड फिल्म हैं। एक तरफ जहां बॉलीवुड में तृप्ति को लेकर इस तरह की दीवानगी है, वही एक्ट्रेस की लाइफ में एक ऐसा समय भी था जब उनके माता पिता से लोग कहते थे कि उनकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। कैटरीना कैफ के ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी के यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने कहा, मैं उत्तराखंड से हूं, लेकिन मेरा जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ, इसलिए मेरे माता पिता और परिवार दिल्ली में हैं। जब मैं बॉम्बे आई तो मेरे लिए यह मुश्किल था। आप जानते हैं, हर दिन एक कमरे में 50-60 से अधिक लोगों के सामने बाहर जाना पड़ता था। समाज में और मेरे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे माता पिता को गंदी बातें कही। तृप्ति ने कहा, लोग कहते थे आपने अपनी बेटी को इस धंधे में क्यों भेजा, वो बर्बाद हो जाएगी, वो गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगेगी और अपने लिए गलत फैसले लेगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। एक्ट्रेस ने कहा कि एक ऐसा समय भी आया था जब मैं बिल्कुल उम्मीद खो चुकी थी। सोचिए कि एक दिन आप सोकर उठे और आपके पास कोई काम ना हो, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल श्योर थी कि पेरेंट्स के वापस जाकर ये तो नहीं कहूंगी कि कुछ नहीं हो पाया। तृप्ति ने कहा कि उनकी जब पहली फिल्म लैला मजनू रिलीज हुई और उसे उनके माता पिता ने देखा तो उन्हें एक्ट्रेस पर बहुत गर्व हुआ था। एक्ट्रेस ने नेशनल क्रश का टैग मिलने पर कहा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि मैंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं, चाहे वो पहले की हो या जो हाल ही में रिलीज हुई हो, मुझे अपने दर्शकों से बहुत प्यार मिला है। लोगों ने मेरे काम को पसंद किया है और इसके बारे में बात की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी बॉलीवुड की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।